साथियों, जब हम काम करते हैं तब तीन चीजें बहुत अनिवार्य होती हैं, और अगर तीन चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं तीन बातें कहता हूं, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है, बाएं जाए दाएं जाए ऊपर जाए नीचे जाए कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पाकर के रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। फेथ इन कन्विक्शन दूसरा पार्ट है कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है, उसके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। फेथ इन कन्विक्शन, जो मैंने सुना है और अनुभव कहता है कि हाँ यार मेरे विचारों में मेल नहीं बैठता है, लेकिन यही है रास्ता तो चलो लग जाओ, लेकिन इतने से भी पूरा नहीं होता है। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ इन कन्विक्शन इज नॉट इनफ टू अचीव, और उसके लिए चलता है कैरेक्टर टू एक्ट। मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गढ़ना पड़ता है, मेरे समय का सर्वाधिक उपयोग उस काम के लिए लगाने का मुझे प्रायोरिटी तय करनी होती है, खुद को खपाना पड़ता है, मेरा शरीर मेरा मन बुद्धि सब कुछ, मेरा कैरेक्टर टू एक्ट उस काम को पूर्ण करने वाले कैरेक्टर के रूप में अगर निकलता है तो मैं परिणामों को प्राप्त करूं। मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है दोस्तों।